सर्दी शुरू होते ही चोर सक्रिय हो जाते हैं, यही कारण है कि शहर में तेजी से चोरी की घटनाओं का ग्राफ बढ़ गया है। दरअसल सर्दी के सीजन में लोग घरों के अंदर सोते हैं और चोर चोरी घटनाओं को अंजाम देते हैं। ऐसे में मथुरा पुलिस ने रात्रि में बढ़ती चोरी घटनाओं के मद्देनजर गश्त बढ़ा दी है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर पुलिस अपनी नजर बनाए हुए है। रात्रि के समय शहर में पुलिस की मोबिलिटी बढ़ा दी गई है। फौश कॉलोनी में भी पुलिस का कड़ा पहरा है। सीओ सिटी अभिषेक तिवारी ने बताया कि सर्दी के सीजन में लोग घरों के अंदर सोते हैं, ऐसे में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सतर्कता बढ़ती जा रही है। रात्रि के समय पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है ताकि चोरी घटनाओं पर अंकुश लग सके और लोग सुरक्षित अपने घरों में सो सके। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस द्वारा चौकसी बढ़ती जा रही है क्योंकि आपराधिक तत्वों पर पुलिस लगातार अपनी पर नजर बनाए हुए, क्योंकि सर्दी का सीजन है, रात्रि में लोग अंदर घरों में सो जाते हैं, तो ऐसे में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग सक्रिय होने की संभावना उनकी रहती है। उनके खिलाफ क्या कुछ अभियान चलाया जा रहा है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीओ सिटी अभिषेक तिवारी साहब। सर, जिस तरीके से ठंड का सीजन चल रहा है, लोग अक्सर अंदर सो जाते हैं, तो जो चोर टाइप के लोग होते हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, वो अक्सर सक्रिय हो जाते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस समय किस तरह का अभियान और मोबिलिटी चलाई रखी गई है पुलिस की? देखिए, ऐसा है कि चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है लगातार, और इस बात को भी अकाउंट में लिया जा रहा है कि सर्दी का मौसम बढ़ा है, कोहरा भी हो सकता है, तो विशेष टीमें बनाई गई हैं जो रात्रि में गश्त और पिकेट का काम कर रही हैं। इसके अलावा हमारी जो थाने की मोबाइल है, चेतक मोबाइल्स हैं, उन सभी से पेट्रोलिंग करी जा रही है और हम लोगों के द्वारा भी इसकी चेकिंग की जा रही है ड्यूटी पॉइंट्स की। बेसिकली अगर बात करें तो कुछ ऐसे चोरी हो जाते हैं, वाहन चोर हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स में हैं, तो उनके खिलाफ क्या कुछ ऐसा अभियान अभी शुरू किया गया है? देखिए, जो पहले से अपराधी हैं या पहले किसी अपराध में संलिप्त रहे हैं तो उनको चिन्हित करके उनकी एक सूची बनाकर उन पे भी पैनी नज़र रखी जा रही है, और जो भी दोबारा से अपराध में लिप्त होने का प्रयास करेगा तो उसको पुलिस की कड़ी नज़र उस पे ऑलरेडी बनी हुई है। चोर टाइप के लोग बहुत सारा ऐसे होते हैं कि इस समय वाहन चोरी घटनाओं को भी अंजाम दे देते हैं, तो ऐसे लोगों से भी क्या कुछ अपील की जा रही है कि रात्रि के समय में अपने वाहनों को प्रॉपर खड़ा करें, क्योंकि घर के बाहर खड़ा कर देते हैं, ठंड का मौसम है, अंदर रहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी आप क्या कुछ मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? देखिए, जनता से तो हम हमेशा ये अपील करते हैं और अभी भी ये अपील करते हैं कि सुरक्षा के लिए सतर्कता भी ज़रूरी है, तो जो भी सिक्योरिटी मेजर्स जनता के खुद के द्वारा लिए जा सकते हैं वो भी उनके द्वारा लिए जाने चाहिए, जैसे कि प्रॉपर अपने वाहनों को लॉक करना और सही जगह पे उन्हें खड़ा करना। तो ये हम अपील हमेशा से करते रहे और अब दोबारा से जनता को जागरूक करने के लिए ये अपील हमारे द्वारा की जा रही है। धन्यवाद। इस समय साथ रहे सीओ सिटी अभिषेक तिवारी। इनका कहना है कि ठंड का सीजन है, जाड़े में अक्सर लोग घरों के अंदर रहते हैं, रात्रि के समय जब घरों में अंदर रहते हैं तो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी सक्रिय रहने की संभावना रहती है, उसके हिसाब से पुलिस की चौकसी और मोबिलिटी भी बढ़ा दी गई है और रात्रि के समय में गश्त बढ़ा दी गई है ताकि किसी प्रकार के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग किसी भी घटना को अंजाम ना दें। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि रात्रि के समय में बेसिकली होता क्या है कि लोग घरों के बाहर अपने वाहनों को खड़ा कर देते हैं, लोग अंदर रात ठंड के वजह से अंदर सोते हैं, तो इस वजह से भी चौकसी बरतना बेहद आवश्यक है। लेकिन पुलिस द्वारा ठंड के सीजन को देखते हुए रात्रि में गश्त बढ़ा दी गई है और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर भी पूरी पैनी नजर है। नियोजित कंपर्सन संतोष सिंह के साथ गोविंद भारद्वाज।